रायगढ़ में जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर राजेंद्र पांडे को जीत मिली, तो वहीं उपाध्यक्ष पुरुष पद पर संजय कोका व महिला उपाध्यक्ष पद पर नीता ठेठवार को जीत हासिल हुई। इसी प्रकार सचिव पद के लिए महेंद्र यादव और सह सचिव पद पर जय प्रकाश जायसवाल ने जीत दर्ज की। जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर राजेंद्र पांडे को जीत मिली, वहीं उपाध्यक्ष पुरुष पद पर संजय कोका, महिला उपाध्यक्ष पद पर नीता ठेठवार को जीत मिली। इस प्रकार सचिव पद के लिए महेंद्र यादव और सह सचिव पद पर जय प्रकाश जायसवाल ने जीत दर्ज की और ग्रंथपाल के लिए कल्याणी शर्मा चुनी गई। लगभग महीने भर से जिला अधिवक्ता संघ में चुनाव की सरगर्मी मची हुई थी। 18 फरवरी को मतदान हुआ। सुबह 11 बजे से मतदान शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे तक चला। जिला अधिवक्ता संघ में कुल 553 मतदाता थे, जिसमें से 513 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी थे, जिसमें लालमणि त्रिपाठी, राजकुमार उपाध्याय और राजेंद्र पांडे के लिए मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। राजेंद्र पांडे पहले राउंड से ही अपने 2 अन्य प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लालमणि त्रिपाठी 59 मतों से आगे निकलते हुए जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए संजय कोका की स्थिति भी प्रथम राउंड से मजबूत बनी रही। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय शर्मा से 55 मतों से आगे निकलकर जीत दर्ज की। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महिला पद के लिए नीता ठेठवार भी पहले राउंड से बढ़त बनाते हुए 211 मतों से जीत दर्ज की। सचिव पद पर महेंद्र यादव की भी स्थिति पहले ही राउंड से मजबूत बनी रही और उन्होंने कुल 196 मत प्राप्त करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज तिवारी से 37 मतों से जीत दर्ज की। सह सचिव पद पर जय प्रकाश जायसवाल की स्थिति भी शुरू से आखिरी तक मजबूत बनी रही, लेकिन काफी कम मतों के अंतर से अंतिम राउंड तक इस पद के लिए नतीजा क्या होगा, इस पर अधिवक्ताओं के बीच चर्चा चलती रही। अंततः इन्होंने 202 मत प्राप्त करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज सिरवास को 7 मतों से परास्त कर दिया। ग्रंथपाल पद पर महिला अधिवक्ता ने कब्जा जमाया। इस पद के लिए केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जिसमें कल्याणी शर्मा ने प्रथम चरण के काउंटिंग से मजबूत स्थिति बनाते हुए कुल 288 मत प्राप्त किए और अपने प्रतिद्वंदी कौशल राजपूत को 77 मतों से पछाड़ दिया। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद पर शकुंतला चौहान को एवं क्रीड़ा सचिव पर राजेंद्र पटेल को निर्विरोध चुन लिया गया था। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य भी निर्विरोध चुन लिए गए, जिनमें दिनेश मित्तल, हेमा भट्ट, मनमोहन चौहान, निशान चौबे, सुशील पोद्दार और प्रवीण बहिदार शामिल हैं। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद पर चुने जाने के बाद राजेंद्र पांडे एवं सचिव महेंद्र यादव ने बताया कि उनके जो भी चुनावी वायदे थे उसे धरातल पर लाने के लिए वो आज से ही प्रयत्न शुरू कर देंगे। राजेंद्र पांडे ने कहा कि उनके लिए प्राथमिकता क्रम में अधिवक्ता भवन, अधिवक्ता कॉलोनी, अधिवक्ता पेंशन और नए अधिवक्ताओं को एक निश्चित राशि निश्चित समय तक के लिए दिए जाने की बात होगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के लिए हमारी पूरी टीम काम करेगी और वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन लेती रहेगी। अभी पिछले दिनों कल निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हुई और जिला अधिवक्ता संघ की एक कार्यकारिणी बन के आई है, जिसमें मुझे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पर सुशोभित होने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता गणों का आशीर्वाद मेरे को लगातार मिलता रहा है। मैं पूर्व से ही यहाँ लगभग विभिन्न पदों में रहा, सह सचिव से रहते हुए फिर उपाध्यक्ष रहा और पिछले 3 कार्यकाल मुझे लगातार सचिव के कार्य का अनुभव मिला और उसी अनुभव से मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करूँगा। मेरे साथ युवा साथियों ने इस बार चुनाव में भाग लिया और सभी सफलता प्राप्त किए। मुख्य रूप से युवा साथी ही चुनकर आए हैं और युवाओं की एक टीम आई है, तो निश्चित तौर पे युवा आगे बढ़कर काम करने का मादा रखते हैं और काम करेंगे। सब मिलजुल कर कार्यकारिणी के लोग सारे एक राय होकर काम करेंगे और वरिष्ठों का मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहेंगे। जीत मिली है, एक जिम्मेदारी मिली है, एक दायित्व को निभाने का हमको अवसर मिला है। जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ में बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है, जिसमें मेरे बड़े सीनियर सहयोगी अधिवक्ताओं की जो भी सलाह रहेगी उस सलाह के अनुरूप मैं कार्य करूंगा और उनके द्वारा मुझे इस पद के लायक बना दिए हैं
और मैं इस पद की पूरी गरिमा और मान सम्मान को बनाए रखूंगा। पूर्व में भी मैं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में काम कर चुका हूँ, लाइब्रेरियन के पद में काम कर चुका हूँ और क्रीड़ा सचिव में निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, तो थोड़ा बहुत अनुभव है कार्य करने का। और हमारे अध्यक्ष महोदय जिस युवा जोश के साथ रहते हैं उनके साथ काम करने का एक अलग अनुभव मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सीनियर्स हैं उनकी एक अच्छी सोच मेरे साथ रही है और उनके साथ एक अच्छी बातें हुई हैं जिसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का एक कोशिश करूँगा। मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे? मतदाताओं ने तो मुझे दिल खोलकर वोट किया, उन लोगों ने भी सहयोग किया जो मुझे जानते नहीं हैं और मुझे पहचानते नहीं हैं, लेकिन अलग तरीके से उन लोगों ने मुझे सहयोग किया। वो है पब्लिक, आम पब्लिक हैं, कोई व्यापारी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के जो जूनियर्स हैं, लेडीज़ बार रूम वाले हैं, सीनियर्स हैं, लाइब्रेरी रूम वाले हैं, नोटरी कक्ष वाले हैं, उन लोगों ने पूरी मेहनत लगन के साथ मेरे साथ काम किया और कल दिन भर मेरे लिए प्रचार किए, मेरे लिए परसों से सारी चीज़ें करना शुरू कर लिए थे और उन लोग अपनी एक पूरी जोश के साथ मेरे को यहाँ पर सचिव पद पर आसीन किए हैं, जिसके लिए उस सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, कल काफ़ी गहमागहमी के बीच चुनाव सम्पन्न हुआ और ये एक गुरुतर उत्तरदायित्व जिला अधिवक्ता संघ द्वारा हम लोगों को सौंपा गया था, जिसमें हमारे साथ पूरी टीम जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं की टीम थी, जिसमें दो उप निर्वाचन अधिकारी और चार सहायक निर्वाचन अधिकारी थे, जिसमें एक हमारे उप निर्वाचन अधिकारी भरतराज पांडे और एक संजय दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और काफ़ी हंसी खुशी के माहौल में संपन्न हुआ, किसी प्रकार का ना तो कोई विरोध हुआ ना किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ। और इस कार्य में हम लोग 7 जुलाई से मतलब कि लगे हुए थे और हमारा ये भगीरथ प्रयास सफल हुआ और किसी को हमने जो है आक्षेप का मौका नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने इस निर्वाचन में थोड़ी कड़ाई की थी और कई कसौटियाँ तैयार की थी, उन कसौटियों पे हमारा निर्वाचक मंडल खरा उतरा है और साथ ही साथ जो है मतदाताओं के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन को सफल कराने में हमारा भरपूर सहयोग दिया है। 11 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, हमारे पास कुल 554 मतदाता थे जो सूचीबद्ध थे और इन 554 मतदाताओं में से 516 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें अध्यक्ष पद हेतु राजेंद्र पांडे वो विजयी हुए हैं, वो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे लालमणि त्रिपाठी। उपाध्यक्ष पद पर संजय कोका ने विजय हासिल की है, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी संजय शर्मा थे। सचिव पद पर 3 उम्मीदवार थे, महेंद्र सिंह यादव, मनोज तिवारी और शरद पांडे, तो इनमें से महेंद्र यादव ने विजय हासिल किया है, जिनके निकटतम प्रतिद्वंदी शरद पांडे थे। इसी तरह सह सचिव पद भी काफ़ी कंटेस्टिंग था और इस पद पे जय जायसवाल ने 7 मतों से अंतिम समय में बढ़त हासिल करके 7 मतों से विजय श्री हासिल की। सबसे रोमांचक जो हमारे यहाँ का मतदान माने परिणाम था वो था श्रीमती नीता ठेठवार और महिला उपाध्यक्ष नीता ठेठवार और राजश्री अग्रवाल। तो नीता ठेठवार ने एक तरफा बढ़त हासिल किया और लगभग 300 मत उन्होंने अर्जित किया, 300 मत। और एक अन्य विजयी ग्रंथपाल के लिए कल्याणी शर्मा। तो मैं आपके माध्यम से समस्त विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और साथ में आप लोगों को भी शुभकामनाएं और देते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग समय समय पर आकर हमारी जो बातें सार्वजनिक रूप से प्रचारित होनी चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा भरपूर सहयोग किया गया, उसके लिए भी मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।